हेलो एवरीवन, दिस इज़ जसबीर हियर। और आज हम बात करने वाले हैं पेट के मसल्स के बारे में। सब्सक्राइब कीजिए फिटनेस क्यूरियोसिटी चैनल को और बेल आइकन दबा के लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखिए। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई एक्सरसाइज वीडियो है तो आप गलत हैं। आज हम एक्सरसाइज या एब्स के मसल्स या कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करके एब्स के मसल बना सकते हैं, सिक्स पैक एब्स, एट पैक एब्स, जी नहीं, ये वीडियो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके एब्स के मसल्स वीक हैं तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो जिम जाते हैं और उन सभी के लिए भी जो जिम नहीं जाते हैं। बहुत साल के एक्सपीरियंस में मैंने पाया है कि ऐसी प्रॉब्लम्स जिनके लिए लोग दवाई खाते रहते हैं, एक्चुअली उनका जो सोल्यूशन है वो बहुत ही इजी होता है। आपको सिर्फ कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने होते हैं, थोड़ी बहुत सुबह उठ के कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करनी होती हैं जिसके जरिए आप बड़े आराम से अपने आप को पहले से कहीं बेहतर हेल्दी बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स कैसे शुरू होती हैं। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हम कुछ भी खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, और जब हम सुबह फ्रेश होने के लिए जाते हैं तब भी हमारा स्टमक के जो मसल्स हैं उनका स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है ताकि हम अच्छी तरह से स्टूल पास कर सकें। और जब हमारे मसल्स वीक होते हैं तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि एक किसी एक्सपर्ट ने बताया कि अगर आप सीधे उठेंगे बेड से, सपोज आप क्रंचेस कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या होता है कि आप सीधे उठते हैं, थोड़ा सा उठते हैं लेकिन सीधे उठते हैं। तो किसी एक एक्सपर्ट का ये कहना था कि आप कभी भी सीधे मत उठिए, अगर आप सीधे उठेंगे तो आपके पेट में कुछ चेंजेस हो जाएंगे, धड़न हो जाएगी और आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फैक्ट ये है दोस्तों कि अगर आप सीधे उठ रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्यों ना सीधे उठते समय जो यूज होने वाले मसल्स हैं आप उन्हें स्ट्रोंग कर लें। तो अगर आप उन मसल्स को स्ट्रोंग कर लेते हैं तो आप सीधे उठ भी पाएंगे और आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ उम्र तक अपने बेड में ही सुसु करते हैं, लेकिन वो लोग जब बड़े हो जाते हैं तो काफ़ी ऐसे बच्चे भी हैं जो काफ़ी बड़े होने के बावजूद बेड में ही सुसु कर देते हैं। तो जो मेरे दोस्त ऐसी ही किसी प्रॉब्लम के साथ किसी को जानते हैं, आप उन्हें अगर सिर्फ लेग रेजेस, सिंगल लेग रेजेस शुरू करवा देंगे तो आप पाएंगे कि उनकी ये प्रॉब्लम बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। अगर आप उसको लेके किसी डॉक्टर के पास जाओगे या किसी आयुर्वेदिक हकीम के पास जाओगे या किसी के पास भी जाओगे तो वो दवाइयां देनी शुरू कर देते हैं, ये खा लीजिए, वो खा लीजिए। लेकिन अगर आप फिटनेस के अंदर हैं, आप फिटनेस को समझते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ प्रोटीन खाते रहोगे, ड्राई फ्रूट्स खाते रहोगे तो आपके मसल नहीं बनेंगे। आपको मसल्स के लिए एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। उसी तरह से वो जो मसल्स हैं जिनकी वजह से वो बच्चा अपने सुसु को कंट्रोल नहीं कर सकता है, उन मसल्स की एक्सरसाइज उसको करवानी पड़ेगी। उसकी अलग अलग तरह की कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं। यहाँ पे मैं कुछ आप देख सकते हैं, मैंने पिक्चर्स डाली हैं यहाँ पे। आप इन पिक्चर्स को देख के, इन एक्सरसाइजेस को देख के समझ सकते हैं कि अगर आप इन एक्सरसाइजेस को रोज़ करवाएंगे तो आप पाएंगे कि वो बच्चा जिसको ये प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने शुरू में बोला था, ये एक्सरसाइजेस जो हैं ये आपकी कंडीशन को ठीक करने के लिए हैं। यहाँ पे इन एक्सरसाइजेस के द्वारा आपके सिक्स पैक एब्स तो नहीं बनेंगे और आपके पेट के इर्द गिर्द जो फैट है वो भी कम नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपकी लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट आएगी, आपके पोस्चर में इम्प्रूवमेंट आएगी, आपके डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट आएगी। और हाँ, आप थोड़े बहुत कैलोरीज भी एक्स्ट्रा बर्न करेंगे, आपका ओवरऑल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर होने वाला है। तो इन एक्सरसाइजेस को कब करना चाहिए? देखिए, आप सुबह उठिए, एक ग्लास पानी पीजिए या एक कप चाय कॉफ़ी, या जो भी आप बेड टी लेते हैं तो आप बेड टी ले सकते हैं। उसके बाद आप इन एक्सरसाइजेस को करने से पहले अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग करें, और अगर हो सके तो थोड़ा वॉक कर लें। वॉक करने के बाद आएँ वापस और थोड़ा स्ट्रेचिंग करें और इन एक्सरसाइजेस को करें। अगर आप इन एक्सरसाइजेस को रोज़ कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको रोज़ बदल बदल के करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम अक्सर सुनते हैं कि किसी को प्रॉब्लम है गैस की, किसी को प्रॉब्लम है स्टमक पेन की, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को लूज मोशन है, और ऐसी अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स जो पेट से संबंधित हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको यूरिन की प्रॉब्लम है, और एक बड़ा ही कॉमन शब्द हम सुनते हैं, धरन, किसी को धरन की प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम्स के साथ साथ कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि पोस्चर गलत होना, कोई आगे की तरफ झुकता है, किसी के शोल्डर्स आगे की तरफ बेंट हैं। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स में पाया गया है कि वो कमज़ोर एब्स के मसल्स की वजह से होती है, ना कि उनकी बॉडी में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसे वो दवाई खाकर ठीक कर सकते हैं। ये दवाई खाने के साथ ठीक होने वाली प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आप सही एक्सरसाइज के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। अगर आज हम बात करें तो फिजियोथेरेपिस्ट भी जो होते हैं वो भी आपको सिर्फ एक्सरसाइजेस ही करवाते हैं जिसके द्वारा
वो आपकी जो कंडीशन है उसे ठीक कर सकते। ये जो कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं, उनमें भी पाया गया है कि वो वीकनिंग ऑफ मसल्स की वजह से होती है। तो आप उस केस में दोनों चीजें कर सकते हैं। नंबर वन, आप स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल्स कर सकते हैं, लेकिन आपको दूसरी तरफ इन्हें स्ट्रेच भी करना पड़ेगा। तो आप स्ट्रेच करने के लिए, ये यहाँ पे मैंने कुछ फोटोज डाली हैं, आप देख लीजिए। इस प्रकार से आप अपने एब्स के मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं और उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एब्स का स्ट्रांग होना जरूरी तो है, लेकिन उसके साथ साथ आपके लोअर बैक का स्ट्रांग होना भी जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने एक्सरसाइजेस मेंशन करी हैं, सुपरमैन, ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेस है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिनको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि पहले किस तरह से आपको करना है, दूसरी बार कैसे करना है। तो इन एक्सरसाइजेस को आप अपने रेगुलर रूटीन में कर सकते हैं और आप अपनी कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। और आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हम वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आप लोगों की अप्रिशिएशन के द्वारा ही हम और वीडियोस बनाएंगे, आपके सामने लेके आएंगे। और इसी के साथ थैंक यू सो मच दोस्तों।